हाय अस्सलाम वालेकुम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल मैं हूं आप सबका दोस्त और होस्ट आपका अपना मूड मैकेनिक आमिर सुहेल खान और दर्शकों में आपका स्वागत करता हूं द अर्थ न्यूज़ के लाइव में। जिस तरह से मेरी खोज रहती है कि मैं अक्सर आपको जम्मू कश्मीर के जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनसे मिलाता हूं, वो जम्मू कश्मीर के सितारे जो यहां से निकल कर आगे हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं आज नेशनल हॉकी प्लेयर जो हैं मनप्रीत एंड गगनदीप, जो दोनों यहां जम्मू से निकल कर जिन्होंने नेशनल लेवल पर खेला और हमारे जम्मू का नाम रोशन किया। सबसे पहले मैं बातचीत के लिए जुड़ूंगा गगनदीप से। गगनदीप, आपका स्वागत है हमारे द अर्थ न्यूज़ में। थैंक यू सर। गगनदीप, सबसे पहली बात, आपको हॉकी का जो शौक है ये कहाँ से पड़ा, किस एज में आपने स्टार्ट किया? ये मैंने 13 साल में हॉकी शुरू की थी खेलनी, तो मुझे मेरे मोहल्ले में लड़के खेलते थे हॉकी, तो मुझे मेरे पास हॉकी नहीं होती थी। मैंने उनसे पूछा हॉकी कहते यार खेलनी सीख, नेशनल गेम हमारी। मैंने कहा भैया मुझे भी खिलाओ, कह रहे कोई बात नहीं खिलाते हैं हम भी जी। फिर मैंने उनसे पूछ के करते करते इधर तक पहुँचा अभी तक नेशनल प्लेयर। अच्छा, घर वालों का कितना सपोर्ट रहता है फाइनली, मम्मा पापा का और गुरु का? बहुत सपोर्ट रहा मेरा मम्मी पापा और गुरु का, सबसे ज़्यादा मेरा गुरु का सपोर्ट रहा। अच्छा, कितना टाइम आप स्टडी के साथ साथ इस चीज़ को रखने के लिए कितना टाइम देते थे? ये तो शाम को पहले सुबह स्कूल जाते हैं, फिर आते शाम को प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं हम। तो कोचिंग वगैरह की जो क्लास वगैरह रहती थी आपकी स्कूल की? स्कूल में कोचिंग नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कोचिंग सारा ग्राउंड में ही है हमारा। किस क्लास में हो आप? 11th। 11th में। अब आगे हॉकी को लेके क्या सोचा, क्या करना चाहोगे? मैंने सोचा इंडिया खेलना है। इंडिया खेलना है, ये जज्बा बना के रखा हुआ है? यस सर। और अभी कैसी चल रही है फिलहाल आपकी कोचिंग वगैरह प्रैक्टिस? बहुत अच्छी चल रही है सर प्रैक्टिस, हमारे कोच हैं जो यहाँ पे वर्ल्ड के बहुत बेस्ट कोच हैं हमारे, उनके वजह से हम इधर तक पहुँचे अभी। चलिए, जगजीत सिंह है उनका नाम। चलिए, थैंक यू गगनदीप बातचीत करने के लिए। अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं मनप्रीत सिंह। मनप्रीत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे द अर्थ न्यूज़ में। थैंक यू सर। मनप्रीत जी, कहाँ से हॉकी का शौक पड़ा, कहाँ से ये चीज़ माइंड में आई, किस एज में खेलना स्टार्ट किया और पहला मैच कहाँ पे खेला? सर, देखते देखते हम खालसा क्लब को यहाँ पे खेलना स्टार्ट किया हमने। हमारे मोहल्ले में खालसा क्लब होता था, वो बड़े बड़े खेलते थे, हमें उनके साथ खेलने का दिल करता था। अच्छा। वो आते थे, हम मैच देखते थे। अच्छा। फिर आस्ते आस्ते हमने अभी हॉकी पकड़नी स्टार्ट की। फिर हमारे साथ जुड़ चुके हमारे कोच जगजीत सिंह, उनके साथ हमने यहाँ पे हॉकी स्टार्ट की। फिर उन्होंने आस्ते आस्ते हमें बताया कैसे हॉकी खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, और पहला मैच भी मैंने यहीं पर ही खेला एस्ट्रो ट्रॉफ में। ओके, गुड। फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है, मम्मा पापा का और साथ में जो गुरु थे उनसे कितना टाइम लेते थे आप स्पेशली हॉकी को लेके? फैमिली का तो सर हमेशा ही सपोर्ट रहता है, पर हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं जगजीत सिंह, उन्होंने हमेशा हमें फाइनेंशियली सपोर्ट की हमें उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट की कि सर कि हमें घर से इतने फाइनेंशियल हम अच्छे नहीं हैं, लेकिन यहाँ से लेकर हमें किट से शूज से लेकर हमें हॉकी तक सब हमारे जगजीत को सबने दी। अच्छा, तो अब फाइनली आपने हॉकी को तो अपना पैशन बना ही लिया है, अब क्या सोच रहे हैं कि हॉकी में क्या कुछ करना है, क्या कुछ हिंदुस्तान में करके दिखाना है? सर, हॉकी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हम, आप हॉकी जे&के को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यही ख्वाहिश हमारी। अच्छा, कोचिंग वगैरह जो मिलती है उसके साथ अपनी स्टडी, दोनों चीज़ें मेंटेन करना, पैशन प्लस स्टडी, इन दोनों चीज़ों को कैसे एक साथ मेंटेन कर लेते हो आप? सर, करनी पड़ती है हमें स्टडी मेंटेन भी, हम यहाँ देखो हम 4 बजे यहाँ पे आ जाते हैं, घर पे जाके पढ़ना भी पड़ता है, करनी पड़ती है मेंटेन, वो पैशन भी है और पढ़ना भी पड़ता है। हर रोज़ आते हो यहाँ पे अपनी जो कोचिंग क्लास है लेने के लिए, या स्पेशली हफ्ते में कोई एक दिन? नहीं नहीं, हम डेली आते हैं प्रैक्टिस करने, और पढ़ने के साथ डेली रखा हुआ, हमने रूटीन रखी हुई है पढ़ने के लिए। अच्छा, जो बच्चे हॉकी को लेकर आगे कुछ करना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज रहता है? सर, वही है कि खेलो, आप यहाँ पे आके खेलो, सब बड़े बड़े सिखाते हैं, हमारी जेके भी हमें बहुत सपोर्ट करती है, यहाँ की पुलिस भी बहुत सपोर्ट करती है हमें कि अच्छा खेलो, वो छोटे भी आएंगे वो जुड़ेंगे हमारे साथ, यही बात यही है कि आएँ खेलें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जी, ये थे मेरे साथ गगनदीप एंड मनप्रीत, जो नेशनल हॉकी प्लेयर हैं हमारे जम्मू के। आपने खुद ही सुन लिया कि इनका जो सपना है वो बहुत बड़ा है, सपने की उड़ान जो है वो बहुत लंबी है, ये हमारे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हॉकी में, होप्स हो कि ये ऐसा करके दिखाएंगे और आते समय में ये हमें कुछ ऐसा दिखेंगे। फिलहाल तो बात इतनी है कि जम्मू में टैलेंट की कमी नहीं है, चाहे किसी भी फील्ड में जाके ढूंढ लो, एक चेहरा हमारे जम्मू का ज़रूर दिखेगा जिसने कुछ अच्छा किया होगा हमारे जम्मू के लिए, हमारे जम्मू का नाम रोशन करने के लिए। अब आता समय और आता वक्त ही बताएगा कि क्या मनदीप गगनदीप और मनप्रीत को अपनी राह मंजिल मिलती है, क्या वो मुकाम मंजिल तक पहुंचते हैं जैसा वो सोच रहे हैं, क्या उनको वैसे उनकी मंजिल मिलती है। आप भी जुड़े रहें ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स पे द अर्थ न्यूज़ नेटवर्क पे। वीडियो जर्नलिस्ट आज़िज़ सुहान के साथ आमिर सुहेल खान, जम्मू।